तो दोस्तों, यदि आप मार्केट से वाइपर लेने जाते हैं तो उसके लिए क्या करिए, या तो आप अपने ये वाइपर साथ में लेके जाइए, नहीं तो आप इसको ये इंची टेप से नाप लीजिए। मान लीजिए आपको मार्केट में नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ये देखिए, ये 14 इंची का वाइपर है। तो ऑनलाइन आप वाइपर ऑर्डर करेंगे, इसका रबड़ ऑर्डर करें, क्योंकि रबड़ इतनी इजीली मिलते नहीं है। तो जो भी आप ऑर्डर करें उसको पहले अपना ये साइज़ देख लीजिए, उस हिसाब से उसको ऑर्डर करें। तो दोस्तों, कार का वाइपर हटाने के लिए आपको जो ये क्लिप सी नज़र आ रही है, आप इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और इस वाइपर को ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये वाइपर नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये क्लिप आप देख लीजिए, ये क्लिप रही, इसको आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है। क्लिप को अंदर की तरफ प्रेस करके, ये तो मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक हाथ से आपको ये क्लिप प्रेस करना है, दूसरे हाथ से आपको इसको नीचे दबाना है। नीचे दबाएंगे तो ये देखिए, ये वाइपर आपका ये बाहर आ गया, इसे आप निकाल लीजिए। ये जो गोल थी इसकी रिपीट है, ये इसके अंदर आती है। तो जब भी आप नया वाइपर लाते हैं तो हो सकता है उसमें ये जो इसका सॉकेट है ये इस तरह से हो, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इसको अंदर से पुश करना है और इसको ऊपर उठा लेना है। अब ये हुक है और ये वाली क्लिप है, ये बाहर की साइड रहेगी, ये हुक है, इसमें लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे डाला, इसको ऐसे डाल के ऊपर से देखिए, इसको देखिए इसके अंदर लिया और ऊपर की तरफ प्रेस कर दिया, ये वाइपर लग गया। और ये वाइपर लगाने से पहले आप इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीस या वैसलीन वगैरह लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।